हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग की तरफ से 2024 के लिए नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से मीटर रीडर के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। इस बार आप सभी को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 600 मिलने वाली है, यानी कि मीटर रीडर, बिलिंग और कैश कलेक्टर के 600 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप सभी इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको बता दें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग की तरफ से मीटर रीडर, आपको पता होगा आपके घर में मीटर जरूर से लगा होगा और उसकी रीडिंग लेने के लिए कोई ना कोई महीने में एक बार आपके घर जरूर आता होगा। वहां पे आपके मीटर की रीडिंग होती होगी, रीडिंग के हिसाब से जो भी बिल होगा वो जनरेट किया जाता होगा और बिल का जो भी अमाउंट है या तो आप ऑनलाइन पे करते होंगे या तो कैश कलेक्टर यानी वही जो आएगा बिलिंग करने के लिए उसी के हाथ में आप लोग देते होंगे, वो आपको एक रसीद देगा। वही काम है यहाँ पर, आपको मीटर रीडर, बिलिंग और कैश कलेक्ट करना है। अभी ये जॉब नई नई है लेकिन हर जगह धीरे धीरे करके प्रचलित हो रही है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, बहुत सारे लोगों की मीटर की रीडिंग हो नहीं पाती अच्छे से, जिस वजह से इनको ये वैकेंसियाँ निकालनी पड़ रही है। आपको बताएंगे कहाँ की वैकेंसी है, कौन कौन आवेदन कर पाएगा। अभी के लिए इतना जानिए कि मेल और फीमेल दोनों इस काम को कर सकते हैं, इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल और केवल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपकी रिक्रूटमेंट है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब मिलती है, आप कहीं से भी आवेदन करेंगे और ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, बिना किसी को एक भी रुपये दिए आप सभी आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ आपको बता दें, यहां पर आवेदन करने के लिए एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सभी क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और बैकअप के लिए फ्यूचर में अगर कभी व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव होते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड हो जाना है। देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मीटर रीडर के पदों पर रिक्रूटमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कर सकते हैं naukrikhabar.com या फिर आपके लिए एक न्यू साइट डेवलप की जा रही है sarkarresult1.com करके है, आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं sarkarresult1.com। एक बार आपको इस साइट पे विजिट करके जरूर देखना चाहिए। इन फ्यूचर में आपको अपने एरिया की, अपने स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने विलेज की जॉब अपडेट यहां पर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी डेट है 16 मई 2024 की और इसकी जो आखिरी डेट है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन वो 3 जुलाई 2024 मेंशन करी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं, आप सभी बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगी। आपकी उम्र यहां पे कम से कम 18 आपने कंप्लीट कर ली हो और अधिक से अधिक 40 वर्ष से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमने आपको बताया 600 पदों पर यह भर्ती है और इसका जिक्र आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा। एक पोस्ट है लेकिन आपको काम 3 तरह के करने होंगे क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए काम है। जैसे यहाँ पे आपको मीटर रीडर की पोस्ट मिल रही है, साथ में अगर आप मीटर की रीडिंग लेने के लिए जाते हैं तो आपको रीडिंग के बेसिस पे बिल भी जनरेट करना होगा और अगर कोई कैश देना चाह रहा है तो आपको कैश भी कलेक्ट करना होगा। तो कुल मिला के मीटर रीडर के साथ बिलिंग और कैश कलेक्टर की पोस्ट यहाँ पे शामिल है। हो सकता है कि एक काम के लिए 3 लोगों को भेजा जाए तो अलग अलग काम करे, एक मीटर की रीडिंग लेगा, दूसरा उसके हिसाब से बिल जनरेट करेगा और तीसरा कैश कलेक्ट करेगा। अब ये तो आपको ज्वाइनिंग के बाद ही देखने को मिलेगा। 10th पास जॉब है लेकिन मिनिमम 8 पास जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, आप उसके बेसिस पे भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद जब उनका सिलेक्शन होगा वो ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं।
टुडे टॉप जॉब लिस्ट की बात करें तो आज की नई सरकारी नौकरियों की अपडेट कर दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे क्लिक करके जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और जानकारी को आप लोग देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं वेतन के बारे में। पहले तो ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी बनेगी। स्टाइपेंड के बारे में जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है जो कि आगे हम ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नो एग्ज़ाम, यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, केवल इंटरव्यू है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी है। इम्पोर्टेंट लिंक है जहाँ पे आपको अप्लाई का डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिलता है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने जो क्लिकर की बटन इस पर क्लिक करते हैं तो आपका सीधा नोटिफिकेशन पीडीएफ में ओपन होगा, और अगर आप अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका अप्लाई लिंक प्लस नोटिफिकेशन दोनों दिख जाएगा। तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करता हूँ और सीधे आ जाते हैं apprenticeshipindia.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको इस पोस्ट की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में आपको समझाएंगे लॉगिन रजिस्टर के माध्यम से, लेकिन अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा वैकेंसी की जानकारी देखिएगा। असिस्टेंट है यहाँ पे, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर बिलिंग एंड कैश कलेक्टर की पोजीशन यानी पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट मिल रही है, और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी की एक टैब यानी बटन भी मिल रही है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी का नेम मिलता है। इसके अलावा 6 दिन आपका काम है, सोमवार से शनिवार। प्राइवेट सेक्टर की जॉब है कंपनी के, और ये जो कंपनी है वो 22 स्टेट के अंदर ऑपरेट करती है, यानी कि 22 जगहों पे इनकी जॉब्स आती हैं और यहाँ पे कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। उसके बाद इस कंपनी के एड्रेस की बात करें, जो पर्टिकुलर वैकेंसी इस बार आई हुई है उसका ये एड्रेस है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैटेगरी और सेक्टर के अंदर 8 ग्रेड पास यानी कि कक्षा 8वीं पास प्लस यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं, और मैं यहाँ पे 5th पास यानी 5वीं पास बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात कही गई, इसको आप लोग एक बार जरूर से देखना है। इसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग आएंगे ओवरव्यू के अंदर तो आपको इस वैकेंसी की और भी जानकारी मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर बिलिंग कैश कलेक्टर की जॉब है, नंबर ऑफ ओपनिंग यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 600 है, स्टाइपेंड स्टार्टिंग का आपको 5 से 6 हज़ार बोला गया है। जेंडर के अंदर मेल फीमेल यानी महिला पुरुष दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर वही 8 ग्रेड पास यहाँ पे बोला गया है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको इस वैकेंसी के लिए आप लोग इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो आवेदन कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपली अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी में, तो आपको लॉगिन करने के लिए बोल देगा, प्लीज़ लॉगिन फॉर अप्लाइंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर एक बटन मिल रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर करके, आपको इस पर क्लिक करना है। और आप कैंडिडेट हैं अप्लाई करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट की बटन मिलेगी, तो आपको कैंडिडेट की बटन पर क्लिक करना है। दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो लॉगिन एज अ कैंडिडेट, एक रजिस्टर्ड एज अ कैंडिडेट। तो अगर आपने पहले से ही रजिस्टर्ड किया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल के कैप्चा का कोड डाल के वेरीफाई करके और सबमिट की बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी तक यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया तो आपको यहाँ पे जो गोला दिख रहा है इस पे एक बार टिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप ITI स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इंटरव्यू और मोबाइल नंबर, अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर करना सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा, उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी जो कि एक्टिव हो क्योंकि OTP वगैरह जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड मिलेगा जो कि लगभग 6 कैरेक्टर का है, जैसे यहाँ पे BFJXQD लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई की बटन पे क्लिक करेंगे। जस्ट इसके बाद आपको रजिस्टर की बटन पे क्लिक करना, अगर आपका कैप्चा सही होगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। जो भी OTP आपको प्राप्त होगी यहाँ पे ऐड करना है, OTP के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कहीं आपसे अप्लाई नहीं हो पा रहा और अप्लाई करने का वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं जहां से आपको अपडेट्स मिलती हैं, और हो ही जाइए क्योंकि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको गूगल सर्च कर लेना है naukrikhabar.com, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।